हेलो दोस्तों स्वागत है आपका कैसे बीजी चैनल में तो दोस्तों आज डिस्कस करेंगे हम बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी की प्राइवेट एडमिशन के बारे में जी हाँ दोस्तों अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं एमपी के कॉलेज में बीए बीकॉम बीएससी एमए बी एस में तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी प्राइवेट फॉर्म बनने की जो अंतिम तारीख रखी गई थी जो लास्ट डेट रखी गई थी अब उसको आगे बढ़ा दिया गया जी हाँ दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है अब दोस्तों कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे वो हम इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं तो दोस्तों अगर आपको प्राइवेट फॉर्म से संबंधित प्राइवेट एडमिशन से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिए मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा और दोस्तों मैंने सभी यूनिवर्सिटी के प्राइवेट फॉर्म किस तरह से बनने हैं मैंने सभी यूनिवर्सिटी के वीडियो बना रखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उन वीडियो को जरूर देख लीजिए तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं जीबाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा अठारह फरवरी को एक नोटिस जारी किया गया था इस नोटिस में क्लियर लिखा गया है कि बी ए बी फर्स्ट ईयर ओनली फोर प्राइवेट स्टूडेंट एमपी ऑनलाइन पोर्टल के रूप में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए नामांकन कराए जाने हेतु तृतीय निम्नानुसार घोषित की जाती हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगर दोस्तों आप जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर बी ए बी प्राइवेट से करना चाहते हैं तो उसके नामांकन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि है यानी कि प्राइवेट फॉर्म भरने की तिथि है अब आगे बढ़ा दी गई है कितनी कर दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो हम पीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो हमारी जो पीस रहने वाली है सौ रुपये जी हाँ दोस्तों सौ रुपये हमारी पीस रहने वाली है चालीस रुपये हमारा पोटल चार्ज रहेगा तो हमारी टोटल पीस हो जाएगी एक सौ चालीस और दो सौ चालीस अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं तो दो सौ चालीस और अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो आपको एक सौ चालीस पेमेंट करना होगा ओके अब दोस्तों आप कब तक पेमेंट कर पाएंगे तेईस फरवरी तक कब तक कर पाएंगे दोस्तों तेईस फरवरी तक आप पेमेंट कर पाएंगे अगर दोस्तों मार के चली तेईस फरवरी तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो फिर दो सौ रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देकर आप पच्चीस फरवरी तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यानी कि आपको एक सौ चालीस में दो सौ रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना है तो तीन सौ चालीस रुपये पे करके आप पच्चीस फरवरी तक फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं अब दोस्तों मान के चलिए आपने फॉर्म में अप्लाई कर दिया तो दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करने के बाद में क्या करना होता है हमने जिस कॉलेज के लिए अप्लाई किया है उस कॉलेज में जाकर के हमको क्या करना होता है डॉक्यूमेंट हमारे दस्तावेज होते हैं उनको अप्रूव कराना होता है वेरीफिकेशन कराना होता है तब तक दोस्तों हम वेरीफिकेशन नहीं कराएंगे तब तक हमारा रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट नहीं हुआ तो हमको कम्प्लीट कराने के लिए जिस कॉलेज के लिए हमने अप्लाई किया है उस कॉलेज में जाकर हमको अपना वेरीफिकेशन कम्प्लीट करना होता है अप्रूव कराना होता है तभी हमारा एडमिशन कंप्लीट होता है अब दोस्तों आपको साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने उन डॉक्यूमेंट्स के नाम भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं प्राइवेट फॉर्म भरने के बाद में वो ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं मैं आपको इसका स्क्रीन ले लीजिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जैसा कि ओके अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट करिए और दोस्तों बात आती है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गया एम यूनिवर्सिटी हो गया विक्रम यूनिवर्सिटी हो गया आ हमारा डी ए बी बी यूनिवर्सिटी हो सभी यूनिवर्सिटी की मैंने प्राइवेट एनरोलमेंट किस तरह से अप्लाई करनी है प्राइवेट फॉर्म किस तरह से भरे जाते हैं मैंने इनकी वीडियो बना रखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ओके तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी जानकारी समझ में आ गई होगी तो दोस्तों वीडियो के हमें पकते हैं समाप्त मिलते हैं इस वीडियो के साथ तब तक ही बाय